ये सब ये मसाले हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। यकीनन आप अल्लाह की रहमत अल्लाह की करम से आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक दुनिया की और आखिरत की रहमतों से और नेमतों से नवाजे हमें, आमीन। तो आज मैं बना रही हूँ अचारी अरबी। इसके लिए मैंने ये दो प्याज काट कट कर लिए और अरबी को भी काट नमक लगा के वाश कर लिया है। और ये कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल पहले से गर्म करने के लिए रखा हुआ है। सबसे पहले मैं प्याज को फ्राई करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज को मैंने लाइट सा फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर अरबी डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह, अब इसको भी साथ ही फ्राई कर दूँगी। देखिए मैंने अरबी को फ्राई कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट डाल के इसको फ्राई करूँगी। देखिए मैंने लहसुन डाल के इसको फ्राई कर लिया है 2-3 मिनट तकरीबन। तो अब मैं इसके अंदर ये 2 टमाटर ग्रीस किए हुए थे उनकी पेस्ट बना ली मैंने, इसको डालूंगी। बिस्मिल्लाह, और ये मैंने मसाले लिए हैं कुछ। 1 टीस्पून मेरे पास अदरक पिसी हुई है और धनिया पाउडर है और कुटी हुई थोड़ी सी मिर्च है और ज़ीरा 1/2 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर, हल्दी और कलवंजी और सौंफ थोड़ी सी मैंने ली है और मेथी ली है, नमक है, सुरख मिर्च पाउडर है। ये सब मिर्च ये मसाले अब मैं डालूंगी इसके अंदर। और ये मेरे पास 1/2 प्याली ये दही की है तो इसको फैन के ये भी डालूंगी। अब ये सबको मैं भून लूंगी। देखिए मैंने अरबी अचार सालन को मैंने डिश आउट कर लिया है। तो मैंने ढक्कन दे के 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख लिया था। तो अब ये रेडी हो गई है। तो मैंने डिश आउट की है। तो मेरी अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इसी के साथ मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।